हेलो दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी लोगों का हम में से आज व्रत है, मेरा भी आज व्रत है, तो हम लोग आज कुछ दो तीन डिशेस बनाएंगे, आपको दिखाऊंगा। साबूदाना का वड़ा और कुट्टू के आटे की चीले बनाएंगे और थोड़े से सूखे आलू जो स्पेशली या नवरात्रों के व्रत में खाए जाते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा आज। राइट, सो थोड़ी देर मिलता हूँ आपसे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा साबूदाना और उसे अच्छे से वॉश करेंगे। ठीक है, वॉश करना ज़रूरी है। अब देखिए, हमने पानी भिगा दिया है। पानी इंश्योर करना कि ज़्यादा ना हो, कम हो, जिससे जस्ट सोख हो सके, भीग सके, और कुछ नहीं करना ज़्यादा पानी से, इसको भिगाना नहीं है। ठीक है, और ये देखिए आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। तो ये देखिए, अब मेरे पास आलू हैं, आलू बॉईल हो चुके हैं सारे, तो इनको अब हम बहुत छोटा नहीं काटेंगे, मीडियम साइज़ में काटेंगे। और काटने के बाद हमें चाहिए होगा घी। ठीक है, जिस पे हम लोग इसका थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। और स्पेशली ये आलू नवरात्रि में ही खाए जाते हैं, अभी व्रत में खाए जाते हैं, तो आप इनको बहुत छोटा ना काटें क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, और इस तरह से आलू कट जाएंगे। और मैंने घी डाल दिया, आप देखिए कढ़ाई में। इसको 2 मिनट आप गर्म होने दें और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। अब आप इसमें डालेंगे हम लोग ग्रीन चिली और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, और ये है थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, मतलब धनिया। साथ साथ इसमें आप नमक भी डाल दें और सेंधा नमक डालेंगे क्योंकि व्रत का नमक सेंधा नमक ही होता है, श्योर आप लोगों को पता है। इसको थोड़ा चला लेते हैं और 1 मिनट आप इसे चला सकते हैं, और उसके बाद चला के इसमें आप अपने आलू डाल दीजिए। और आपके आलू जैसे इसमें डालें तो इसको आप चला लें, सारा मसाला आप अप्लाई कर दें अच्छे से। और अब आप इसे अच्छे से ढक लीजिए एक प्लेट से और लेट इट कुक फॉर 5 मिनट्स एंड देन यू कैन चेक। हाँ, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये कितने पके। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कुट्टू के आटे के चीले। आप देखिए, ये कुट्टू का आटा मैंने ले लिया है और थोड़ी सी मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं, मैं इनको इसमें डालूंगा। पहले ग्रीन चिलीज डाल लें इसमें और काट के, बेस्ड ऑन योर नीड्स। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट भी अगेन आपके जैसा आप खाते हैं, जिस हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग वो आप डाल लीजिए। सॉल्ट डाल लेंगे, उसके बाद हम इसको मिला लेंगे अच्छे से पानी डाल के, और अब इसको आप एक स्पून की मदद से अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपको पानी कम लगे आप पानी इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है तो मैं इसमें पानी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। पानी बढ़ा दिया है और इसको अच्छे से फिर से मिला लें, तो ये आपके कुट्टू के आटे का पेस्ट जो है तैयार हो गया, और इससे आप बनाएंगे कुट्टू के आटे के चीले। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं मिलाते, कोई इन्ग्रीडियंट्स नहीं मिलना इसमें आपका, कोई और स्पाइसेस नहीं मिलाने। तो ये आपका कंसिस्टेंसी, आप देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए जो कि आप इसमें उसको तवे पे अच्छे से डाल पाएं। तो हम बनाने वाले हैं साबूदाने के वड़े। तो आप देखिए, ये साबूदाना भीग चुका है अच्छे से, इसकी ये देखिए आप पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, और मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये अच्छे अच्छे से ये देखिए, ठीक है ना, ये पूरा पानी से सोक होकर अच्छा से भीग चुका है। तो इसमें मैं थोड़ा सा डालेंगे धनिया, हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया आपने काट लिया है अच्छे से। मैंने थोड़ी सी मिर्च ली है, थोड़ी मिर्च भी आप डाल देंगे इसमें। और ये मेरे पास हैं कुछ आलू जो मैं अच्छे से मैश कर दूंगा इसके साथ। तो अब मैं
मैं थोड़ा सा इसमें कुट्टू काटा डाल रहा हूँ, आप देखिए इससे क्या होगा कि इससे इसका पेस्ट अच्छा बनेगा और थोड़े से चिपकने में आपको मदद करेंगे। और आप इस तरह से साबूदाना के वड़े बना लें, मेक श्योर उसको आप उंगली से अपने दबाएं और थोड़ा पानी अगर आपको लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे के सारे वड़े बन चुके हैं, देखने में देखिए कितना शानदार लग रहे हैं, राइट। अब खाने में देखेंगे कैसा इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए गैस ऑन कर ली है और तवा इस पे चढ़ गया है। देखिए इसको आप 3 से 4 मिनट गर्म होने दें और घी हमने ले लिया है और ये है कुट्टू काटू का पेस्ट जिसका अभी बनेंगे चीले। ये देखिए थोड़ा सा इसमें घी अप्लाई कीजिए तवे के ऊपर और इस तरह से आप ये डाल दीजिए इस पेस्ट को। तो आप देखिए इस पे इसके ऊपर से आप हल्का सा घी अप्लाई कीजिए, साइड से आप इस तरह से आप देख सकते हैं अगर वो निकल रहा है तब ऐसे छूट रहा है तो इसका मतलब वो नीचे वाला हिस्सा पक चुका है, अगर वो नहीं निकलता है आपके स्पैचुला से तो इसका मतलब वो अभी पका नहीं है नीचे से। तो लेट इट कुक अगेन फॉर अ मिनट। जैसे आप देखिए फ्लिप करेंगे इसको इस तरह से और इस साइड भी पका लेंगे इसको। और अब एक दोबारा पैन रखेंगे गैस पे, उस पर ऑयल डालेंगे। अब हम तलेंगे साबूदाना के वड़े, ठीक है, जो हमने बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले वो हम तलेंगे। सो इसको आप 2 से 3 मिनट तक हीट करें। अब ये देखिए तेल गर्म हो चुका है और इसमें हम अब जो हमने बनाए थे साबूदाना के वड़े वो डालेंगे। और इसको हम बनाएंगे हल्की आँच में क्योंकि अंदर तक पकना ज़रूरी है, अगर तेज़ आँच में पकाएंगे तो कच्चे रह जाता है अंदर से। तो मेक श्योर कि आपका आँच आपकी जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम में है, मीडियम से लो, लो टू मीडियम है। तो इस तरह से इसको इस तरह से पलट लें आप। हम तो इस तरह से आप एक एक करके सारे वड़े डाल लें तेल में और इसे अच्छे से पकाएँ मीडियम टू लो फ्लेम में, ठीक है। तो अब सब कुछ बन चुका है, साबूदाने के बड़े बन चुके हैं और चीले बन चुके हैं। ये देखिए चटनी है इधर मिंट और धनिया की, ये घी है, ये दही है सॉरी, और ये आलू है। तो ये सब बन चुका है और अब इनको हम खाएंगे, ठीक है। सो एंजॉय द मील और फिर से एक बार वापस से आप लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट भी करना एंड प्रेस द बेल आइकन क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। टिल देन कीप कुकिंग।